नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है तो आप उसे प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक फॉर्म मेरे पास है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे डिटेल। जैसे यहाँ पे देखिए इनका जो परसेंटेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज, यहाँ पे इनका जो परसेंटेज है वो है 61.50%, ठीक है। और इन्होंने जो ट्रेड भर रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका जो ट्रेड है 10 ट्रेड यहाँ पे इन्होंने भर रखा है, 10 ट्रेड है, 10 कॉलेज है। पहले नंबर पे इन्होंने रखा है गवर्नमेंट आईटीआई, जिससे कि पांडू नगर का है, कानपुर का। मैकेनिक डीजल इंजन का इन्होंने रखा है, फिर इसके बाद दूसरे पे टर्नर है, तीसरे पे मशीनिस्ट है, इनका 61% है, और चौथे पे जो है मैकेनिक ट्रैक्टर है। ये इसके बाद जो है मैकेनिक डीजल इंजन है, यही 5 जो इनका ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी में से नाम इनका आ जाएगा, ठीक है। इनका 61% दो इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो इन्होंने ट्रेड भर रखा है इसी में से इनका जो है 5ों में से नाम आ जाएगा। तो आप जो ट्रेड भर रखे हैं उसी ट्रेड के आधार पे जो है, यानी जो आपका परसेंटेज है उसी परसेंटेज के आधार पे जो है आपको ट्रेड मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है निर्देश। देखिए कहा गया है कि इसमें फॉर्म में संशोधन और वेबसाइट पर बने लिंक पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरने के उपरांत कर सकते हैं। संशोधन फॉर्म भरने के समय 48 घंटे तक किया जा सकता है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम संशोधन संभव नहीं है। यह संशोधन प्रवेशित के अभ्यर्थी को चौथे चरण के पश्चात किया जाएगा। तो जिनका माता पिता का नाम या फिर जो है उनका उनका नाम गलत हो चुका है तो वो जो है घबराए ना, चौथी जो मेरिट लिस्ट है जब इसके बाद लिस्ट जारी होती है तब आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करें कि गलती ना हो, गलती हो जाए तो 48 घंटे में संशोधन कर लीजिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म में जो डिटेल आप फिल करते हैं, जैसे आपका जो है नाम वगैरह जो होता है उसको अच्छे से चेक करने के बाद जो है 10th की मार्कशीट में जो भी नाम हो वही आप फिल करिए। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में अगली वीडियो को बताने वाला हूँ, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जो फॉर्म में फिल किए हैं, ये फॉर्म में भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो सब भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।